फर्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर एटम्स हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन अ ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन मेटल? सो व्हाट आर द ट्रांजिशन मेटल? पहले मैं आपको ये बता दूं, ट्रांजिशन मेटल ये मेटल माने जाते हैं जिनकी इनकम्प्लीट डी सब शेल हो। ठीक है जी, इनकम्प्लीट डी सब शेल कब हो? या तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो या किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप ठीक है, तो सिल्वर क्यों माना जाता है, हालांकि ये 4d10 है ग्राउंड स्टेट में। आप हाँ जी ठीक है, क्योंकि जब सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब डी में से चला जाएगा, डी में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है जी, जब डी में से आप इलेक्ट्रॉन भेज देते हो तो ये 4d9 बन जाता है, जो कि ये एक इनकम्प्लीट डी सबशेल है। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कॉपर को आप ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हो, इसके साथ ही रिलेट करें। कॉपर क्या होता है? 3d10 4s1। कॉपर होता है जी 3d10 4s1। जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनता है तो 3d9 हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन मेटल्स में जरूर प्लेस्ड है, मगर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि जिंक क्या होता है, 3d10 4s2। अगर जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं तब भी ये 3d10 रहता है, जो कि एक कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो। तो चैट बॉक्स खोल लें, कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ये। क्या? नहीं, नो, ना। आपने ये लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपने लिखना है कि इनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है इन द ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ओके, सिल्वर में भी आप लिखोगे बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज ये ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, तो एक्साइटेड होगी ना जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक्साइटेड कब होता है? जब इसके साथ कोई बॉन्ड बनाने आ रहा है। ठीक है, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तब ये शो करता है। यू कैन इवन राइट डाउन कि +2, जैसे कॉपर भी +2 में शो करता है, सिल्वर भी +2 में शो करता है, ये दोनों। इन द सीरीज कैंडियम टू जिंक द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट। वाई? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है आपको, जो मेटेलिक क्रिस्टल बना हुआ है ना उसमें, उसको एटम्स में चेंज करने के लिए, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, किसी को तोड़ना, किसी को एटम्स में चेंज करना। इंथैल्पी क्या होती है? हीट एनर्जी। ठीक है जी, इंथैल्पी क्या होती है? जो एनर्जी प्रोवाइड की आपने कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि जिंक टू कैडमियम जाते हुए जिंक की, सॉरी, स्कैंडियम टू जिंक जाते हुए जिंक की लोएस्ट क्यों है? कोई हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आना, आपको डी आता है, आंसर दो बेटे। देखो, जो मेटल्स है ना उनमें जो बॉन्ड होता है वो मेटैलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है बॉन्ड? मेटैलिक। वो कैसे बनता है? तभी आपको आंसर आएगा, तभी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। कैसे होता है बॉन्ड? कैसे होता है वो? क्या मॉडल है मेटैलिक मेटल बॉन्ड का? जैसे अब आयनिक बॉन्ड है, हम कहते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। मेटैलिक क्रिस्टल में कैसे बॉन्ड्स है? कौन सी, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? बेटे देखो, कर्नल थ्योरी पता है आपको? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पता है? हाँ, कुछ नहीं हमें पता होता। देखो,
जितना मैं हमेशा सोडियम, इट इज वेरी इजी टू गिव द एग्जांपल ऑफ सोडियम, सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, है वैलेंस शेल में जो जो भी मेटल है जो उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है जी, लूजली बाउंडेड होते हैं, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन में वो कितने इलेक्ट्रॉन दे पाती है किसी और को, वो हमेशा लूजली बाउंडेड होते हैं। सोडियम कितने दे सकती है? एक। मैग्नीशियम कितने दे सकता है? टू। एल्युमिनियम कितने दे सकता है? थ्री। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूजली बाउंडेड स्टेट में होते हैं, अलग पड़े होते हैं, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को हमें हम कहते हैं कर्नल्स। क्या कहते हैं? कर्नल्स। ठीक है जी, ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो और ये जो बाकी चीज बचती है ये बहुत पॉजिटिवली चार्ज है, इसे कर्नल कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कर्नल होते हैं किसी भी मेटल में और उनके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूजली बाउंडेड ही पड़े होते हैं, उन्होंने बाहर बाद में आ ही जाना होता है क्योंकि है ना लूजली बाउंडेड पड़े हुए हैं। अब बाकी कर्नल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि 11 प्रोटोन अंदर है, इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए ना, एक बाहर निकला हुआ। अब ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल इस इलेक्ट्रॉन के हम बनाने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े बनाए हैं, पर आटम आपको पता है बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम कितने सारे कर्नल के इन्फ्लुएंस में, वैसे ही एक कर्नल कितने भी इलेक्ट्रॉन को सराउंडेड बाय सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटेलिक बॉन्ड होता है मेटल में, ये जो कॉपर वायर जा रही है यही बॉन्ड है, कि कॉपर में एक कर्नल है और कॉपर के दो लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग पड़े हैं, समझ आ रही है? गॉट इट? अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड डी में जितने ज्यादा अनपेयर्ड पड़े होंगे वो उतने ज्यादा बाहर निकलने को तैयार हो जाएंगे, जितने वो अगर डी पहले ही फुली फिल्ड है, अगर डी पहले ही फुली फिल्ड है तो क्या होगा कि वो इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी। अगर अगर हाफ फिल्ड होगी तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा कर पाएगी, अगर फुली फिल्ड है तो मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी, कर पाएगी? चल में तो अगर हम देखें जिंक से कैडमियम में जाएं, ठीक है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएं, तो जिंक क्या होती है बेटे? 3d10। जिंक फुली फिल्ड है इस टाइम, वो अपने डी वाले इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगी क्योंकि फुली फिल्ड है, स्टेबल है, वो क्यों देगी? तो इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं, तो जब मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाते हैं तो हमें कम हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको एटम्स में चेंज करने के लिए, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है। तो ये लिख रहे हैं, जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, देयरफॉर डी इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्वड इन द मेटेलिक बॉन्ड। अगर अलग अलग होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तभी तो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाएंगे वो, समझ आ रही है? अगर पहली फुली फिल्ड है तो क्या बनाने हैं? तो हमें कम एनर्जी चाहिए उनको, क्या कहते हैं, तोड़ने के लिए। हाँ जी, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 3D के एलिमेंट्स लिखो फटाफट, डी में से ही क्वेश्चन आने हैं, 3D के सारे एलिमेंट्स लिखो पहले, हरी अब। तो जो है ना इनके एलिमेंट लिख दो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको, लिख के रखो ना बेटी, फिर क्वेश्चंस फटाफट करोगे ना, पहले एलिमेंट्स लिखो फर्स्ट टाइम, लिखने की आर डालो। अब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, लिखो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सेकेंडियम SC, टाइटेनियम TI, वेनेडियम V, क्रोमियम CR, मैग्नीज MN, FE, आयरन FE, कोबाल्ट CO, निकल,
कॉपर यू एंड जिंक, ठीक है? तो इनकी एटॉमिक नंबर ये 21 से 30 तक है। जेड एन, जेड आर, जिरकोनियम, आगे ट्रांजिशन की सीरीज में पड़ा है। तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्साइड क्या होता है? हाँ ये सारे आ जाते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह में, होंगे कहीं में, क्योंकि ये डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं इनकी बड़ी। अब देखो सेकेंडियम होता है बेटे 3D1 4S2, समझ आ रही है? एटॉमिक नंबर 21 से लेके ये क्या है 30 तक। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताओ, हरी अब मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताओ। देखो लिखो बेटे, जब तक सेल्फ ड्रिलिंग करनी सीखोगे नहीं, मैंने तो बोर्ड में पहले भी लिखा था, अब सेल्फ ड्रिलिंग करनी सीखो। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या है मैग्नीज का? हेलो, हो गया ये होता है बेटे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये होती है 21 से 3D1 4S2, 3D2 4S2, 3D3 4S2, क्रोमियम एक्सेप्शन है, 3D5 4S1, 3D5 4S2, 3D6 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S2, 3D10 4S1, 3D10 4S2, ठीक है जी। अब मैग्नीज देखो क्या है बेटे, 3D5 4S2। डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है, पता है ना आपको, 5D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है? डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैग्नीज में 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, गए हुए हैं कि नहीं गए हुए हैं? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड मैग्नीज में है, हालांकि क्रोमियम भी 3D5 है देखो, मगर साथ में क्या है 4S1 है, और इसके साथ में क्या है 4S2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने, 7। 7 बने कि नहीं बने? तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की होती है, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। एस के तो करने ही करने होते हैं पार्टिसिपेट, एस के तो 2 करने ही करने होते हैं, और डी में अनपेयर्ड करते हैं, तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। आप बता सकते हो मुझे कौन से कंपाउंड में हम लैब में यूज करते हैं बहुत बारी? KMnO4। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सबसे हाई पावर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके यूज होते हैं वो KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, या K2Cr27 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ठीक है जी? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, हाइड्रोजन निकल, जो मर्जी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, द ई नॉट, ई नॉट, अब ई नॉट क्या होती है पहले मुझे बताओ। अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी मैंने रिवाइज करवाई है ऑनलाइन, जो आप सुनते भी नहीं हो। हाँ जी,
ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू क्या बताती है आपको, क्या बताती है पहले ई नॉट वैल्यू, तभी तो आंसर दे पाओगे। चलो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। ई नॉट वैल्यू ऑफ द कॉपर इज पॉजिटिव 0.34, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। ई नॉट वैल्यू क्या सिग्निफाइज करती है आपकी, हाँ बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल होती है, अगर पॉजिटिव में हो तो क्या होती है, अच्छी बात। पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या कम है। क्यों नहीं सुनते आप, ऑनलाइन में हम क्यों ऐसे बोलते रहते हैं, अब ये सारी आपको क्यों नहीं सुनते हो आप, गलत है ना आपकी बात, फिर नहीं लगाते ना क्या। था वो तो ई नॉट निकालने के लिए होती है बेटे, ध्यान से समझो। ई नॉट हमें क्या बताया जाता है, ये जो एम टू पॉजिटिव से एम बनने का मतलब है कि इसमें रिड्यूस होने की कितनी टेंडेंसी है। एम टू पॉजिटिव से एम मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, ध्यान से समझो। एन एम ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे एम टू पॉजिटिव ने, तभी एम बनी। तो पोटेंशियल क्या है, इसमें कितनी एनर्जी है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कितनी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, कितनी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, यही तो होती है रिडक्शन पोटेंशियल। और क्या होती है, नहीं होती, होती है। अब आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में ये समझाया था कि आपने ये ट्रिक याद करनी है, -3 0+3, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल किसी की रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी, हमें पता है सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में है ना रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी, मेटल्स में तो नहीं है, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, फ्लोरीन की, क्योंकि सबसे ज्यादा वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकती है। लिथियम की रिड्यूसिंग एजेंट है वो, उसकी पोटेंशियल तो ऑक्सीडाइजिंग है। एक एक चैप्टर को मैं इतना अब टाइम लगाऊंगी ना तो हो गया आपका, फिर तो ये ऑनलाइन में समझ लेना था तभी। समझ आ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है किसी में रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी। रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है उसकी उतनी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है, उतनी पॉजिटिव में वैल्यू चली जाती है। समझ आ रही है, जितनी किसी को इलेक्ट्रॉन, अब लिथियम है ना उसकी -3 पॉइंट समथिंग है लिथियम की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो खुद रिड्यूस नहीं होता, वो देता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है वो, दूसरे को रिड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो एक ऐसा मेटल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो किसी और को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी ना कम, तो उसकी नेगेटिव में है। जैसे जैसे हम नीचे नेगेटिव से 0 0 हाइड्रोजन की हो जाती है, और सबसे नीचे फ्लोरीन पड़ी होती है जिसकी पॉजिटिव 2.87, तकरीबन पॉजिटिव हम कह देंगे 3 होती है, होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। हम कहते हैं इसकी ई नॉट ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कैथोड पे पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एनोड पे पाया जाता है। ये सारी मैंने ऑनलाइन क्लासेस में चीजें समझाई थी, सुना था, शुक्र है किसी ने तो सुना, शुक्र है सुना था, कुछ तो सुना था। अब एक बेटे ई नॉट एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, जो आप कहते हो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी,
ई नॉट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो फ्लोरीन के एटम ने, गैशियस एटम ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ना कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। समझ आ रही है? तो फ्लोरीन के अगर आपने F2 को पहले एटम्स में चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी आप इलेक्ट्रॉन दोगे इसको, क्योंकि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं। तो जब इसको F2 में से 2F में चेंज करोगे तो आपको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देनी पड़ेगी, एक ऐसी इंथैल्पी जो इसको गैस में एटम्स को में चेंज कर दे, अलग अलग कर दे, डिसोसिएशन, सॉरी इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। समझ आ रही है? उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, तब इंथैल्पी ऑफ गेन, ठीक है, समझ आ रही है, गेनिंग इंथैल्पी रिलीज होगी। पहली एनर्जी आपने दी, दूसरी एनर्जी रिलीज हुई, समझ आ रही है? अब तीसरी एनर्जी आती है बेटे, हाइड्रेशन इंथैल्पी। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, ये सब कुछ एक्वस मीडियम में डाल देते हो आप, तो वाटर मॉलिक्यूल आसपास आने शुरू हो जाते हैं और हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो अगेन रिलीज होती है। समझ आ रही है? वैसे अगर हम किसी मेटल की बात करें, जैसे सोडियम है, सोडियम ने, अगर सोडियम से हमने इलेक्ट्रॉन खींचना है या सोडियम ने लेना है, तो सोडियम को पहले आप एटम्स में चेंज करोगे, मेटल है ना वो, एटम में चेंज करने के लिए आपको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चाहिए होगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी चाहिए होगी। मुझे ना इतनी देर में एक ही क्वेश्चन को लगाऊंगी ना, फिर आपका हो गया काम। समझ आ रही है? अब ये तीनों फैक्टर्स को निकाल के ई नॉट आती है, तीन चीजें कंबाइन होती हैं। अब ये तीन चीजें कंबाइन होती हैं तो ई नॉट मिलती है हमें, दो उसमें से पहली एनर्जी चाहिए, बाकी दोनों रिलीज होती है। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो रिलीज होती है, और किस में सबसे ज्यादा रिलीज होती है, जिसका साइज छोटा होता है, जितना लिथियम को फर्स्ट अल्कली, देखो अगर आप ध्यान से सोचो, अगर अपना दिमाग के थोड़ा सा यूज करो, अल्कली मेटल नीचे जाते वक्त आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, हो नहीं रही, तो सोडियम को तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, पोटेशियम को और जल्दी इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, इन सबको तो जल्दी देने चाहिए, लिथियम तो सबसे लेट देने चाहिए। सोचो इस बात को, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, बाकी फैक्टर क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है लिथियम की। जब लिथियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, उसमें से हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत रिलीज होती है। समझ आ रही है? इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन है, कहते जी कॉपर की पॉजिटिव क्यों है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करना चाहता, पॉजिटिव ज्यादा क्यों है? ठीक है जी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है। समझ आ रही है? उसके बाद इसकी लैटिक्स इंथैल्पी भी ज्यादा है। लैटिक्स इंथैल्पी होता है कॉपर टू पॉजिटिव जब बन जाता है तो आयंस में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसकी पॉजिटिव में चली जाती है, क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव का साइज छोटा है, तो जब इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल आएंगे ना तो एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इरेगुलरिटी होनी है बेटे, कहीं हाफ फिल्ड हो जाती है, कन्फिगेशन चेंज है, कहीं फुली फिल्ड हो जाती है,
तो ऑब्वियसली आपकी इरेगुलरिटीज आनी आनी है, तो आप लिखोगे क्योंकि इरेगुलरिटीज आती है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में, मैगनीज हाफ फिल्ड हो जाती है, क्रोमियम भी देखो 3D5 है, ठीक है, तो जहाँ पे अनोमलीज आएंगी हाफ फिल्ड आएंगे वहां पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको ज्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली. एक ये क्वेश्चन आता है, मैंने ये कितनी बारी ना जब चैप्टर समझा रही थी तब भी रिपीट किया था. फिर ये पूछते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझो आप, KMnO4 मैग्नीज अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो जब वो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है तभी करता है. समझ आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट +7 का होने का मतलब है जो दूसरा एटम आ रहा है ना उसके पास टेंडेंसी है कि 7 इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करना. तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जैसे मैग्नीज है या कोई भी और मेटल है, वो जब ऑक्साइड बना होता है या फ्लोराइड बना होता है तभी क्यों शो करता है. अब आपको पता है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतना आपको पता है. डीप रॉक एलिमेंट्स की एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, वेरिएबल होती हैं. जैसे मैग्नीज की मैग्नीज 2 पॉजिटिव भी है, 7 पॉजिटिव भी है, 4 पॉजिटिव भी है, पता है ना, ऐसी वेरिएबल होती है. कहते सबसे जो हाईएस्ट है ना वो ऑक्साइड बन के और फ्लोराइड बन के ही शो करता है, क्योंकि ऑक्साइड ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, या हम कहें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है. फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में 4 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेके बैठा है, ऑक्सीजन 3.5 लेके बैठा है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा, बाकियों के पास इतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, दोनों दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं. समझ आ रही है? तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. दूसरा इसी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को दोनों को कंपेयर किया जाए, ऑक्सीजन के साथ लग के ही हाईएस्ट शो करता है, फ्लोरीन के साथ लग के इतनी हाईएस्ट शो नहीं करता. Mn F7 ही सुनेंगे हम, जैसे कि KMnO4 में मैग्नीज की +7 है, MnF7 नहीं है, इतना स्टेबल नहीं है. MnF7 हो तभी ये +7 शो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं ले पाएगा? वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, तो ऑक्सीजन, क्योंकि बेटे फ्लोरीन के पास मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी नहीं है, ऑक्सीजन एट ए टाइम डबल बॉन्ड बनाता है. आंसर है आपके पास कि ऑक्सीजन एट ए टाइम डबल बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन किसी के 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, मगर एक फ्लोरीन किसी का एक ही इलेक्ट्रॉन खींच सकता है. इन्होंने कोई नंबर नहीं देने आपको, इन्होंने आंसर में ये ढूंढना है कि कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड इज रिटर्न और नॉट. हाँ जी, आंसर की आती है बोर्ड में तो बेन आधा नंबर मिलता है, पूरा क्रेडिट नहीं मिलता, मेन क्रेडिट मेन आंसर का मिलता है. आज तो बहुत मर्जी लिख दो कि छोटा बहुत है, बड़ा बहुत है, कुछ मर्जी करते रहो. हाँ, ऐसा क्राइटेरिया फॉलो करना होता है बेटे, ये नहीं होता कि जो मर्जी आंसर लिखा है कि नंबर दो. आपके साइज क्या करेगा, आपका इसका डिफाइन करो, साइज ने क्या किया है. समझ आ रही? डबल बॉन्ड का क्राइटेरिया आना चाहिए. सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन की आपको पता है कि वो साथ में ये लिखेंगे आपके लिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की सॉरी, फिर भी ऑक्सीजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, फ्लोरीन के साथ +7 नहीं शो कर पाता. अगर दोनों को, जैसे ये दोनों वाला क्वेश्चन है तो दोनों के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट लिखोगे. आगे समझ? विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया. विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, वाई?
यहां से देखो कॉन्फ़िगरेशन, वो कह रहे हैं सीआर टू पॉजिटिव और एफ ई टू पॉजिटिव से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों? क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन दे, आप सीआर टू पॉजिटिव कर रहे हो हाँ, यही मैं पूछना चाहती हूँ आप क्या देखो, एक है एफ सी आर टू पॉजिटिव, तो सी आर टू पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सात क्वेश्चन करें हैं सारे आज। अगर सी आर टू पॉजिटिव है बेटे तो थ्री डी फोर है, अगर एफ ई टू पॉजिटिव है तो थ्री डी सिक्स है कि नहीं है? अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास सी आर टू पॉजिटिव है जो कि थ्री डी फोर है और एफ ई टू पॉजिटिव है जो कि थ्री डी सिक्स है, इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्यों थ्री डी थ्री बन जाएगा मतलब वो? होना तो यही चाहिए पर ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं है ये, टी टू जी और ई जी का कंसेप्ट है, इसका थ्री डी थ्री हो जाएगा, ये थ्री डी थ्री हो जाएगा जिसका टी टू जी फील्ड है हाफ फील्ड, वो बेटे आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ी हुई है, ये देखो आयरन थ्री डी फाइव हो जाएगा मगर क्रोमियम जो है उसका टी टू जी हाफ फील्ड हो जाएगा, क्योंकि टी टू जी तो इससे भी स्टेबल है ना, डी से भी स्टेबल, उसकी एनर्जी और कम है, समझ आ रही है? ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से आयरन लगता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मगर सीआर होता है क्योंकि इसका टी टू जी हाफ फील्ड है, गलत बहुत है, पता नहीं।